अरे बच्चों नमस्कार, पाठशाला एक फ्री एजुकेशन चैनल है जिसका उद्देश्य शिक्षा को सरल बनाना और मुफ्त उपलब्ध कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो कोचिंग नहीं जा सकते उन्हें सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। आप भी लाभ लेवे और जरूरतमंदों को भी बताएं। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन वैष्णव और स्वागत है आपका पाठशाला के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो लेक्चर का स्टडी करते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों स्टडी की थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और आज हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर देन गॉस थ्योरम। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, हम एरिया वेक्टर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज एरिया वेक्टर हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए। तो अगर बच्चों में एरिया वेक्टर की बात करता हूं, तो अगर मैं यहां पर एक सरफेस ले लेता हूं इस टाइप का, ये सरफेस है S, क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर मैंने यहां सरफेस ले लिया एक जो है ds। तो अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर बताना है तो जो एरिया वेक्टर बताऊंगा वो बताऊंगा एन के मल्टीप्लाई बाय ds। बिकॉज एरिया वेक्टर जो रहता है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू दी सरफेस एरिया। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करता हूं तो बोर्ड का जो एरिया वेक्टर रहेगा वो इसके आउटवर्ड रहेगा परपेंडिकुलर। तो हमें एरिया वेक्टर की जरूरत आगे पढ़ने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम में, इसलिए हमको एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ा है यहाँ पे। जैसे हमारा आईजे के जो कैप होते हैं यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वैसे ही एरिया वेक्टर भी जो सरफेस की डायरेक्शन हमें बताता है। तो चलिए हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। जो सेकेंड पॉइंट है यहां पर बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम देख सकते हैं यहां पर कि मैं एक सरफेस लेता हूं, इस सरफेस से मैंने टोटल सरफेस जो है इसका ऐसे, अगर मैंने यहां से इसका एरिया वेक्टर लिया तो एरिया वेक्टर होगा ds, और अगर मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही है इसके अंदर से वो है E, और दोनों के बीच का जो एंगल लेता हूं वो होगा यहाँ पे थीटा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई सरफेस है तो उसमें से अगर कोई सरफेस होगा इस टाइप का, तो जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है नॉर्मल टू दी सरफेस, और जितनी लाइन इससे लिंक होगी उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे आप देख सकते हैं यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से भी जा रही है, बट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ किसे काउंट करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से लिंक हो रही है। तो हमने देखा किस किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड कर रही है, उसके सरफेस पर डिपेंड कर रही है, उसका सरफेस हम एस से बताते हैं, तो दोनों पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे एसी फ्लक्स आती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताते हैं फाइ से, और अच्छे से अगर बताना है ऐसे तो हम फाइ ई से बता सकते हैं। अब यहाँ बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हम मल्टीप्लीकेशन हुआ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर प्रोडक्ट होगा या फिर डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो हमने यहां देखा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ये है और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो अगर दोनों भी डायरेक्शन यहां सेम है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन ई एंड एस जीरो। तो जीरो जब रहेगा तो हम यहां पर दो चीज कर सकते हैं, या तो ई डॉट एस का मतलब ई एस कॉस थीटा, और ई क्रॉस एस का मीनिंग होगा
ई ए साइन थीटा। अब मैक्सिमम कब आएगी यहाँ पे, जब नॉर्मल टू दी सरफेस पे वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम यहाँ थीटा की जगह जीरो पुट करते हैं तो मैक्सिमम आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह जीरो पुट करता हूँ, कॉस जीरो इज वन, देन ईएस हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं जीरो पुट करूंगा थीटा की जगह, तो साइन जीरो जीरो ई इंटू एस इंटू जीरो जीरो, तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लगाया बच्चों डॉट प्रोडक्ट, और फाई होगा ई एस कॉस थीटा। तो ये हमारा आता है यहां से मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगी, ई एस कॉस थीटा। मैं अगर यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, पूरा सरफेस नहीं लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ सिर्फ डी एस सरफेस, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। तो आप इससे भी बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस इस ई डी एस कॉस थीटा। अगर जो हम बात करेंगे इसके बाद, अगर अच्छे से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताते हैं तो उसे कुछ इस टाइप से हम बताएंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ द सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे मेन फॉर्मूला बताएंगे। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, आपने इंटीग्रल का साइन पहले पढ़ा हुआ है, इसे इंटीग्रल का साइन कहते हैं इंटीग्रेशन, और अगर इस बीच में ऐसा सर्कल आ जाता है तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सरफेस थीटा की बात की है इस कारण से। और एस क्या यहाँ पे बता रहा है, सरफेस बता रहा है, तो क्लोज सरफेस एरिया का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स फाइंड हो जाएगी। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फर्स्ट अगर इसकी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी होगी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड अगर हम बच्चों इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, हम यहां से एसआई यूनिट निकाल सकते हैं ईएस, ई की होती है न्यूटन पर कूलम, और अगर हम बात करते हैं एस की तो इसकी हो जाएगी एस की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगर हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमें ई का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, ई का डायमेंशन फॉर्मूला होता है अगर नहीं यहां से ई का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स का आप लोगों को पता है क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और अपॉन में क्यू का होता है टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री और ए यहाँ पे रह जाएगा, जो ओवरऑल हो जाएगा इसका ई का वो हो जाएगा। और जब इसको हम एस मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर जब इंटू कर देंगे तो इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ट्वेल्थ के सिलेबस में, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी रहती है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है। अगर बच्चों हम गॉस थ्योरम की बात करें जैसे गॉस थ्योरम भी कहते हैं, तो अगर मैं गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम की बात करूंगा तो जैसा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने बताया कि ई डी एस कॉस थीटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, और गॉस ने इसे हमें बता दिया और आसानी से,
कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी की हमें फाइंड करना है तो हम उसे बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो कुछ इस टाइप था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज ऑफ द इनसाइड द क्लोज सरफेस। अगर हम बात करें कि यहां पे मैं एक स्फीयर लेता हूं और स्फीयर में अगर मैं कुछ सरफेस लेता हूं, ये सरफेस यहां से डी ए से और अंदर वैसे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यहां से यहां तक की लेंथ आ रहे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी और उनके बीच का एंगल होगा यहाँ पे थीटा। तो उनका कहना था कि अगर आपने इसके अंदर का क्यूनेट चार्ज निकाला, मतलब इसके अंदर का नेट चार्ज निकाला इनसाइड दी क्लोज सरफेस एरिया और आपने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई 1/ε नॉट टू क्यूनेट, तो आपको क्या डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी, डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लोगे। इन्हें सिंपल तरीका बताया, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस एरिया इमेजिन करना पड़ेगा, जिसको इन्होंने नाम दिया गॉसियन सरफेस। तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके प्रूफ की अगर बात करें, इसका हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे बता सकते हैं, मैं कंसीडर करता हूं स्फेरिकल, एक कंसीडर करता हूं स्फीयर कंसीडर किया जिसके बीच में मैंने क्यूनेट चार्ज क्यू चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस की रेडियस जो है वो आर है और यहां पर मैंने एक सरफेस लिया हुआ है जिसका सरफेस एरिया डी एस है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है और इनके बीच का एंगल क्या थीटा है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बोलता है यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला था। अब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस और कॉस थीटा लाके रख देता हूं और इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगी टोटल। तो चलिए यहां पर अगर हम करते हैं तो हमें जो E होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सभी ने पढ़ी है 1/4πε0 Q / r स्क्वायर होगी। सेकेंड हम यहां पे अगर ds की बात करेंगे तो सरफेस एरिया अभी निकालते हैं, और अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन E एंड ds, तो वो एंगल है यहां पर 0 डिग्री, बिकॉज E की डायरेक्शन वही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है। तो अगर मैं यहां पर रख दूंगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस, E की जगह पे रखता हूं 1/4πε0 Q/r² ds, कोस थीटा की मैं जब यहां बात करूंगा तो कोस थीटा में थीटा की जगह जब रखूंगा यहां पर 0 डिग्री, तो कोस 0 होगा 1 और यहां पे मैं इंटीग्रेट किसका करूंगा, जिसके रिस्पेक्ट में है, यहां सरफेस का इंटीग्रेट करना है तो सरफेस का होगा सिर्फ जिसके राइट लेफ्ट साइड में डी लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो कॉन्स्टेंट है वो यहां से बाहर हो जाएगा और हम सरफेस इंटीग्रल किसका करेंगे, ओनली डी एस का, cos 0 यहां पर हो गया 1। अब अगर हम यहां पर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्लोज सरफेस कैसा है, स्फीयर है और स्फीयर का सरफेस एरिया आप सभी को पता है, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr² तो हम इसे डायरेक्ट यहां से रख सकते हैं। तो अगर हम इसे यहां से रखते हैं 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाई बाय क्लोज इंटीग्रल इंटू डी एस, तो क्या हो जाएगा 4πr² यहां पर मैं जो रखूंगा तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल,
और आप देखते हैं आखिरी में बचता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन लॉग। और यही क्या है, यही है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो हमने यहाँ पर गॉस लॉ प्रूव किया फॉर क्लोज सरफेस एरिया के। ठीक है बच्चों, ये गॉस लॉ बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है और इसकी जो तीन एप्लीकेशन है वो तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी तीनों एप्लीकेशन की बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।